सब प्रथम हम महादेव के चरणों में प्रणाम करते हूँ, माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करते हूँ, मेरा प्रणाम नाम सुखला रहा हो। हरिंदर भैया नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करते हूँ, मेरा प्रणाम नाम सुखला रहा हो। हरिंदर भैया के माध्यम से मुझे दिन सुख मिला है। पहले में दया मांगना है, दूसरा में चर्चा करना है, तीसरा में 108 बार से नमस्कार से प्रणाम करना है, कहना है शिव गुरु आप मेरे गुरु है, मैं आपका शिष्य हूँ, शिष्य पर दया कीजिए। हे शिव गुरु आप मेरे गुरु है, मैं आपका शिष्य हूँ, शिष्य पर दया कीजिए। इसको 11 बार बोले या 5 बार बोले, लेकिन मन से दया मांगे। और तीसरा में चर्चा करना है, दूसरा में चर्चा करना है, जैसे कि अनुभूतियाँ मिल रही है तो हम एक दूसरे को बताएंगे कि देवों के देव महादेव बहुत दयालु है। जो अनजान व्यक्ति है उनसे बोलेंगे कि आप भी शिव का शिष्य बन जाए, महादेव जी दया करेंगे। और तीसरा में 108 बार से नमस्कार से प्रणाम करेंगे, उंगली के गांठ पर करें या रुद्राक्ष के माला पर करें या सांस द्वार करें, नमस्कार 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 नमस्कार। ले आसना मा आंगना वा बोला।
मई सारा दुनिया गीता से अंगना भजन माँ गवाई बहो कहाँ पानी लो ले आसन माँ अंगन माँ बोला ई बहो सुनी ना महादेव हमारी वचन आंगनवा बोलाई हो सुनना महादेव हमारी वचन आंगनवा बोलाई हो कहाँ पानी लो ले आसन आंगन माँ बोलाई हो कहाँ पानी लो ले आसन माँ आंगन माँ बोलाई हो।